मामा जी को जय श्री राम। सर चाय सर। हम आपके परमानेंट मामा हैं। पपन भैया के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा से बीजेपी के प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान इस समय राजधानी रांची में चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। सर कैसा लग रहा है राजधानी रांची में चाय? अद्भुत है और बबुअन चाय अद्भुत है, साजन अद्भुत है। ये साजन है जो हमको चाय पिला रहे हैं, आनंद के साथ यहाँ चाय पी रहे हैं और अपने कार्यकर्ता मित्रों से गपशप लड़ा रहे हैं। एक चाय वाला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए जुगत में है और इंडिया गठबंधन वाले बोल रहे हैं कि चाय के साथ पूरे देश को बेचा है इंडिया इंडी गठबंधन वालों ने। झारखंड कैसा बेचा, रोज अखबारों में नोटों के पहाड़ और कमीशन की रकम छप रही है। प्रधानमंत्री जी पर गर्व है हमें, उन्होंने देश को जितनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, आने वाले समय में उन्हीं के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने वाला है। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो सीटें अधिकतम है और इंडी गठबंधन वाले कह रहे हैं कि वहाँ सीटें घटेगी। 29 में से 29 जीतेंगे, अभी नोट कर लो और उनको भी नोट करा दो। आधार है, आधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी, विकास, जन कल्याण। और हम उम्मीद करते हैं कि 2024 अपना ही रहे। हाँ, बहुत दिलचस्पी था, वहाँ गए साहब को भी रिक्वेस्ट किए, आज मेरा बात को सुना गया। हम लोग को बहुत खुशी है कि कम से कम चाय वाले के बाद एक चाय वाला परिवार रख दिया, इसलिए हम बहुत खुश हैं। हाँ, फिर तीसरी बार चाय वाला आएंगे। शिवराज सिंह चौहान जो बता रहे थे कि आधार जन कल्याण और नरेंद्र मोदी के आधार पर पूरी 29 की 29 सीटें वहां मध्य प्रदेश में जीतेंगे। अब देखना होगा 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो राजधानी रांची में चाय पर चर्चा जो हो रही है उस चर्चा का समीकरण कितना सही होता है। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।